पब्लिक इंटरेस्ट में अब 70 साल पुराने एक कानून में बदलाव की तैयारी का परीक्षण होगा। कानून का नाम है वक्फ बोर्ड एक्ट। वक्फ अरबी का शब्द है जिसका मतलब यह है दान। मुस्लिम समाज में किसी संपत्ति को दान करने को वक्फ करना कहा जाता है। वक्फ बोर्ड काम क्या करता है? मुस्लिम समाज की संपत्ति का रखरखाव और उसको देखरेख करने का जिम्मा इस पर है। वक्फ बोर्ड की जमीन से हो रही कमाई का सही और जरूरतमंद लोगों में इस्तेमाल हो, इसी के लिए देश में वक्फ बोर्ड एक्ट का नाम बदलकर एक नया कानून लाया जा रहा है। बताया ये जा रहा है कि मोदी सरकार इसी कानून में बदलाव के लिए संसद में बिल लाने वाली है। बजट सत्र में ही केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल पेश करेगी। इसी हफ्ते संसद में विधेयक लाया जा सकता है और यह बिल सबसे पहले राज्यसभा में लाया जा सकता है। मोदी सरकार अमेंडमेंट करके वक्फ एक्ट में एक बदलाव करना चाहती है। इसकी जरूरत क्यों पड़ी? पटियाल ऐसे हर सवाल का जवाब आपको देगा, लेकिन वक्फ एक्ट संशोधन वाले बिल की सुगबुगाहट किस मुद्दे पर शुरू हुई और कैसे इस पर पूरी पॉलिटिक्स अब गरमाने लगी? मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है। वक्फ बोर्ड के कानून में परिवर्तन होना चाहिए। अगर ये लोग ऐसे बिल लेके आए तो पहला प्रश्न ये है कि क्या ये असंवैधानिक है? ये तो अपनी अपेक्षाओं से ध्यान रखने के लिए है। बिल्कुल सही, 100% सही है। जब तक ये बिल आ नहीं जाता है तब तक कोई प्रतिक्रिया रिएक्शन देना मुश्किल होगा। तो बिल जो होगा मुस्लिम्स को परेशान करने वाले ही। तो ये तो सबके हित में है। संसद के इस अधिकार को चुनौती नहीं दी जानी चाहिए। संसद में वक्फ एक्ट संशोधन विधेयक पेश होने से पहले ही विपक्षी पार्टियां विरोध में उतर आई हैं। ऐसा नहीं है कि इस कानून में पहले कभी बदलाव नहीं हुआ। वक्फ एक्ट में पहले भी दो बार संशोधन हो चुका है। अब मोदी सरकार इस कानून में एक बार फिर से बदलाव करना चाहती है और बताया ये जा रहा है कि वक्फ एक्ट में करीब 40 संशोधन करने का प्रस्ताव है। वक्फ कानून की धारा 9 और 14 में बदलाव हो सकते हैं। इससे वक्फ बोर्ड के गठन में बदलाव संभव हो जाएगा। बोर्ड में पुरुषों के अलावा महिलाओं को भी जगह मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। वक्फ की संपत्ति घोषित करने से पहले वक्फ बोर्ड के लिए उस प्रॉपर्टी का वेरिफिकेशन कराना जरूरी हो जाएगा। राज्यों के वक्फ बोर्ड जो ये दावे करते हैं कि विवादित संपत्तियों के लिए नए सिरे से वेरिफिकेशन का प्रस्ताव होना चाहिए और सबसे बड़ी बात यह होगी कि संशोधन होने से वक्फ बोर्ड की शक्तियां सीमित हो जाएंगी। सरकार के मुताबिक वक्फ एक्ट में संशोधन लाने से पहले तमाम मुस्लिम बुद्धिजीवियों और कुछ वक्फ सदस्यों के साथ बातचीत की गई थी। दूसरी तरफ विपक्षी दल ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड संशोधन को मुस्लिम समाज के खिलाफ बताते हुए एक्ट में बदलाव का विरोध कर रहे हैं। मुद्दों पे चर्चा कभी करते ही नहीं, उससे भागते हैं। और जब भी कोई ऐसा विषय आता है जिससे परेशानी होती है बीजेपी के कुछ लोगों को, तब वो हमेशा रेखांकित करते हैं हिंदू मुसलमान। ये केवल संपत्तियों पे अपने चहेतों को संपत्ति बांट दें लोगों की, लोगों के कारोबार कब से बने हुए हैं उन कारोबार को तबाह बर्बाद कर दें। आप क्यों अधिकार जताना चाहते हो उसके ऊपर? कि भारतीय जनता पार्टी की आदत डीरेल करने की है। जो देश के सामने जो गंभीर मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाने के लिए, पार्लियामेंट चल रहा है, पार्लियामेंट में बजट का सत्र चल रहा है, बजट के ऊपर बहुत सारी टिप्पणियाँ आम आदमी भी कर रहा है, तो उससे ध्यान भटकाने के लिए, अपनी विफलताओं से ध्यान भटकाने के लिए उन्होंने एक नया शगुफा छोड़ा है। अब पटियाल आपको बताएगा कि वक्फ एक्ट में बदलाव करके मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ताकत को सीमित क्यों करना चाहती है। वक्फ कानून में ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वक्फ बोर्ड को असीमित अधिकार देती हैं? ये बताने के लिए पटियाल आपसे पहले ये शेयर करना चाहता है कि वक्फ बोर्ड में कब कब बदलाव किए गए थे। 1995 में पहली बार वक्फ बोर्ड एक्ट में संशोधन किया गया, जिसकी धारा 3 के मुताबिक वक्फ को ये लगता था कि संपत्ति किसी मुस्लिम की है तो वो वक्फ संपत्ति होगी। वक्फ को इसके लिए कोई सबूत देने की जरूरत नहीं। 2013 में वक्फ कानून में दोबारा संशोधन किया गया।
वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान कर दिया गया। संपत्तियों पर दावा करने वाले वक्फ की शक्तियां और बढ़ा दी गई। इसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। इन दो संशोधनों से वक्फ कानून और ज्यादा मजबूत हो गया। केंद्र सरकार कानून को बदलकर इन्हीं शक्तियों को कम करना चाहती है। अगर कोई प्रॉपर्टी वक्फ की है तो वो केवल नोटिफिकेशन से और एक साल की प्रतीक्षा से वक्फ की हो जाती है, पर अगर अयोध्या में रामलला की भूमि है तो उसके लिए मुकदमा करना पड़ता है, 60 साल लड़ना पड़ता है। तो जो भूमि भगवान की है, जो भूमि क्राइस्ट की है, जो जैनियों या बौद्धों में धर्म को समर्पित की गई है, ऐसी चैरिटीज के बारे में अलग लॉ क्यों है? केवल एक ही धर्मावलंबियों के लिए ऐसा प्रिविलेज्ड लॉ क्यों नहीं है? संसद में जब भी ये बदलाव लाए जाएंगे, इन संशोधन पर बात होगी। हम आपसे ये पूरी खबर दोबारा शेयर करेंगे। आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही। कल रात 9 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। अभी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद जरूर देखिएगा 24 घंटे 24 रिपोर्ट। ABP News आपको रखे आगे।